दो दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि थोड़े दिन में डीजल और पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी। देखें इस खास रिपोर्ट को। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पेट्रोल देश में सबसे महंगा बिक रहा है। यहाँ पेट्रोल की कीमत 90 रुपए को पार कर चुकी है। ऐसे में दो दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी चुनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़े, जो थोड़े दिनों बाद कम हो जाएंगे। थोड़ा अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका के चुनाव और कुछ देशों की अंदरूनी समस्या के कारण ये प्राइस अभी बढ़ी थी। अभी अभी ओपेक की निर्णय दो दिन पहले आई है, 5 लाख बैरल पर डे फिर ओपेक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए निर्णय किया है। इसके भी फायदा मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जैसे थोड़ा बढ़ जाती है तेल, कच्चे तेल के दाम यहाँ भी थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा हमारे अनुमान है थोड़ा ये स्टेबिलाइज करेगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आने वाले समय में 5000 बायो कंप्रेस प्लांट लगाने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा, जिसमें किसानों के वेस्ट मटेरियल से भी गैस बनाना शामिल है। साथ ही उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय अब किसानों से पराली खरीदेगा और उससे बायोगैस बनाई जाएगी। किया जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि आने वाले दिनों में देश में 5000 कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट लगाने के लिए मुहिम हम लोगों ने हाथ में लिया है। ये तो शहरी इलाका हुआ, ग्रामीण इलाका में भी किसानों की जो वेस्ट मटेरियल है, पराली हो या कृषि संबंधित अन्य कोई वेस्ट मटेरियल हो, उसी में से भी कॉम्प्रेस बायोगैस बनाया जा सकता है। उसकी भी मध्य प्रदेश में अनेक संभावना है, विशेष करके ये जो मालवा रीजन है, किसानों की इलाका है, उनकी भी अनेक संभावना उसके साथ जुड़ी है। ये किसी भी प्रकार की मटेरियल से कॉम्प्रेस बायोगैस बनने में से ऑयल मार्केटिंग कंपनी लंबे समय तक 46 रुपया पर केजी खरीदने का गारंटी दे रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने इंदौर नगर निगम की तारीफ करते हुए कहा कि घर से कचरा कलेक्शन का इंदौर नगर निगम ने जो मॉडल तैयार किया है वो एक वैश्विक मॉडल है। यही वजह है कि आज इंदौर में बायो कंप्रेसर गैस बनाने के 3 सफल प्लांट लगाए गए हैं। मैं इंदौर महानगर पालिका को बधाई देता हूँ, लगातार 4थी बार स्वच्छ भारत की, स्वच्छ शहर की अवार्ड जीतने के लिए ये श्रेय इंदौर के नागरिकों के लिए समर्पित है। इंदौर के नागरिक एक ग्लोबल मॉडल खड़ा किया है। मैं देश भर कई राज्यों में जाता हूँ, दुनिया में भी जाता हूँ, लेकिन इंदौर महानगर पालिका ने जो एक मॉडल खड़ा किया है, प्रत्येक घर से वेस्ट कलेक्शन का, कचरा कलेक्शन का जो एक जन आंदोलन उन्होंने सफलता के साथ इम्प्लीमेंट किया है, ये बहुत ही अच्छा मॉडल है। ये सही मायने में एक वैश्विक मॉडल है, ग्लोबल मॉडल है। आज स्वच्छता के आंदोलन की प्रमुख कारण यही भी है कि ये जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी के आधार पे यहाँ की अधिकारी और यहाँ की राजनीतिक नेतृत्व दोनों मिलके इसको इम्प्लीमेंट कर पाए, उससे आगे जाके इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने और एक अच्छा काम किया है, सराहनीय काम किया है, उससे बायो कंप्रेस गैस, कंप्रेस बायोगैस निकालने के लिए 3 सफल प्लांट 15 मेट्रिक टन की, 20 मेट्रिक टन की और अभी 500 मेट्रिक टन पर डे ऐसे लिक्विड कचरे से, गीला कचरे से 16,000 किलोग्राम गैस प्रतिदिन निकालने का उन्होंने एक प्लांट यहाँ लगाना शुरू किया है। मैं आज ये 3 प्लांट को दिखने के लिए आया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है वेस्ट टू वेल्थ बनाना, स्वच्छता की आंदोलन के पूर्व शर्त है
ये सारे कचरे को अगर हम एक इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में परिवर्तित करते हैं, स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य की, पर्यावरण की, रोजगार की अनेक संभावना उससे जुड़ी हुई है। बता दें कि दो दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इंदौर में आज दूसरा दिन है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने इंदौर के अधिकारियों से स्वच्छता मॉडल का प्रेजेंटेशन भी देखा और अन्य जानकारी हासिल की। साथ ही उन्होंने इंदौर के स्वच्छता मॉडल की जमकर तारीफ भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।